राम मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें, हमने एक बार कथाक्रम में बुला भी था, पुनरावृत्ति हम कहिए करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठा है, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाए और खुद खाए और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न है और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। उस दिन राम मंदिर में किसकी आप अहम भूमिका मानते हैं? राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों और संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, और राम मंदिर में एक रहनी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। आरएसएस की कितनी भूमिका मानते हैं महाराज इसमें? बहुत। आरएसएस स्वयं सेवक संघ के कार्य सेवकों ने जो बैक स्क्रीन में कार्य किया और बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। हमको आमंत्रण आया, हम निश्चित जाएंगे। ऐसा हो सकता ना भी आमंत्रण आता, उस काम के लिए तो हम जबरदस्ती पहुंच जाएंगे। अब भाई कोई घुसने नहीं देता तो बात अलग है, पर सरयू जी में डुबकी लगाने तो देता है।